नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, सनी देओल सर की फिल्म गदर एक प्रेम कथा आज रिलीज की गई है, इसी का रिव्यू आज के वीडियो में करेंगे। दोस्तों, फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, इसके बारे में तो ज्यादा कुछ कहने की आपको जरूरत नहीं। आप सभी ने मेरे हिसाब से फिल्म देखी होगी, नहीं देखी है तो आज मत चुकिएगा, आज देखिएगा। आज इसका प्रीमियर शो है मराठा मंदिर मुंबई में है शाम को, और 11:30 बजे दिल्ली के आईनॉक्स थिएटर में है, और दोस्तों करीब 2 बजे के आसपास जयपुर के राजमंदिर सिनेमा हॉल में भी इसका प्रीमियर रखा गया, और सनी देओल सर इन तीनों जगह मौजूद रहेंगे। और इसी दौरान दोस्तों गदर 2 का टीजर भी जारी कर दिया जाएगा, तो दोहरी खुशी है सनी देओल के प्रशंसकों के लिए। तो आप अगर सनी देओल सर के साथ फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इन प्रीमियर शो में जा सकते हैं, अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा देश के कुछ शहरों में, कई शहरों में, सभी शहरों में तो मैं नहीं कह सकता, कुछ शहरों में फिल्म को रिलीज किया गया है 4K डॉल्बी साउंड के साथ रिलीज किया गया है, तो मजा आपको जरूर आएगा। कुछ नए सीन भी जोड़े गए हैं, ये सोने पे सुहागा एक बात और आ गई सामने की, कुछ नए सीन जुड़े गए हैं, तो फिल्म का आप आनंद ले सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है या आपने पहले टीवी पर देखी है तो बड़े पर्दे पर डॉल्बी 4K साउंड के साथ आपको बहुत ही मजा इस फिल्म को देखने में आने वाला है, क्योंकि फिल्म बहुत ही जबरदस्त है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है, फिल्म की स्टोरी जबरदस्त है, अनिल शर्मा का डायरेक्शन लाजवाब है, सनी देओल सर की एक्टिंग कमाल की है, क्या जबरदस्त उनकी डायलॉग डिलीवरी है, और एक्शन में तो उनका जवाब नहीं है। क्लाइमेक्स बहुत ही जबरदस्त है, क्लाइमेक्स का एक्शन भी जबरदस्त है, हैंडपम्प उखाड़ने वाला सीन तो कमाल का है, उसको आप बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा अमीषा पटेल का भी सकीना के रोल में बहुत जबरदस्त एक्टिंग है, अमरीश पुरी साहब थे, बहुत शानदार उनकी एक्टिंग है, ओम पुरी का नरेशन है, तो कुल मिलाकर के फिल्म बहुत जबरदस्त है। प्रीतम का म्यूजिक बहुत ही सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुआ था, तो पूरी की पूरी फिल्म में एक आपको शुरू से लेकर के अंत तक बांधे रखती है, कल्ट क्लासिकल मूवी का दर्जा मिला है, और आप इस फिल्म को बार बार देख सकते हैं। तो नहीं देखी है तो आप इसको जरूर देखिएगा, और काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके सामने लगान रिलीज हुई थी आमिर खान की, उससे ज्यादा कलेक्शन भारत में इसने किया था, हालांकि ओवरसीज में लगान का कलेक्शन ज्यादा था। तो एक बहुत बड़ी फिल्म है, सनी देओल सर के प्रशंसकों को उनके जानदार डायलॉग सुनने को मिलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बहुत ही मजेदार फिल्म है, आप देखिए जरूर इस फिल्म को और सपोर्ट कीजिए। और इस फिल्म के साथ ही एक गदर 2 का माहौल बनाने की कोशिश भी कर दी गई है, आज गदर 2 का ट्रेलर आ रहा है, सॉरी टीजर आ रहा है, अब कितने बजे आएगा एग्जैक्ट टाइम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज ही आएगा, ये खुद मतलब त्रिनादेश के द्वारा भी ये जानकारी दी गई है। अब कभी भी आएगा तो मैं इसका रिव्यू आपको जरूर दूंगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि कुछ कंट्रोवर्सी भी गदर 2 के साथ जुड़ गई है, जिसमें एक ही है कि गुरुद्वारे में तारा सिंह और सकीना के बीच में एक रोमांटिक सीन फिल्माया गया, जिसके ऊपर कुछ सिख संगठनों ने एतराज जताया है कि उस सीन को हटाया जाए। अब देखते हैं ये कंट्रोवर्सी ज्यादा नहीं बढ़े, और मेकर्स को चाहिए कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो इस सीन को हटा दिया जाए, तो देखते हैं इसके बारे में आगे क्या रिपोर्ट्स आती है। लेकिन 11 जून को फिल्म रिलीज होने वाली है, और काफी बड़ी फिल्म होने वाली है, बहुत ज्यादा इसका क्रेज है। अब देखते हैं इसका टीजर कितना खतरनाक आता है और टीजर से फिल्म को कितना हाइप मिलती है। अभी तक फिलहाल इसका बुक माई शो पे 48K इंटरेस्ट है, तो रिलीज से पहले 50K पार करना भी एक बड़ी बात है। तो दोस्तों, जैसे इसके बारे में और अपडेट्स आती है आपको लगातार जानकारी मैं देता रहूंगा। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।